के देख लो जरा एक दिखा बार, मेरे को कौन है वो। ये लो ये देखो, इसमें ये देखो। गाइस एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी व्लॉग्स, और पीसीबी व्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है। भाई चेहरे पे खुशी देख रहे हो, खुशी ये नॉर्मल खुशी नहीं है, ये छोले भटूरों की खुशी है। छोले भटूरों की खुशी इसलिए है क्योंकि मम्मी पीछे बना रही है अभी छोले भटूरे। हाँ भाई मम्मी क्या हो रहा है, है? मैं कह रहा हूँ कि भाई आज तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि छोले भटूरे बने। क्योंकि बाहर के छोले भटूरे मेरे को कतई पसंद नहीं, खासकर छोले। क्या रीजन है उसके पीछे अभी मैं वो भी बताऊंगा। देखो कढ़ाई गरम है भाई, भटूरा बेला जा रहा है, एक मुझे वहां पर बना हुआ भी दिख रहा है। अभी ये जाएगा इस खोलते तेल के अंदर और फिर फूलेगा। क्या भाई मम्मी तेल गरम हो गया है, कढ़ाई चढ़ी हुई है, क्या कहना चाहोगे? ट्रेडिशनल लोहे की काली कढ़ाई रख दी है, ये भी कुछ तले गुले पौराणिक। हाँ ये तले गुले देखो भाई, देखो ये आ गया भाई, भटूरा आ गया तेल के अंदर, खोलते तेल में आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। ये आ गया सतह पे, क्या फूला है भाई साहब, इसका टेस्ट फील कर सकता हूँ अभी मुंह के अंदर। यहाँ पे बने हुए हैं छोले, ये देखो भाई, देखो ये होता है असली रूप छोलों का, वो बाजार जैसे काला काला नहीं, और इसका टेस्ट भी अव्वल दर्जे का है। तो अब ये अर्जुन खाएगा गरम गरम फूले फूले भटूरे। क्या गजब फूला है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। आई होप आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा, इनको देख के आ ही रहा होगा। जैसे कि मैंने बोला कि भाई स्पेशली छोलों के बात है, मम्मी के भी ब्लॉग के अंदर मैंने ये चीज बोली थी। अभी कुछ महीना, दो महीना शायद, तीन महीने, पता नहीं कितने, काफी टाइम हो गया लंबा। तो रात के टाइम तो मेरे को छोले भटूरे खाने का मन हुआ, तो ऑब्वियसली स्विगी जोमेटो से मंगाऊंगा मैं, क्योंकि घर पे एकदम से तो बन नहीं सकते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया, तो छोले आए, अच्छा खासा रेस्टोरेंट है जोधपुर का, वहां से ऑर्डर किया था। छोले आए, छोले का एक तो रंग काला, सबसे पहले अपन क्या करते हैं खाने को देखते हैं, उसके बाद मन ललचाता है कि भाई चलो इसे खा लें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रंग को हम करते हैं अवॉइड, टेस्ट में अच्छा होगा। तो वो खाया, मेरे को तो टेस्ट ही नहीं आया भाई साहब, बिल्कुल टेस्ट नहीं आया। तो कुछ दिन बीते, फिर मेरे को यार वापस ऐसा हुआ, तो मैंने छोले भटूरे, आप सोच रहे हो मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, मैं बता देता हूँ, दूसरी जगह से मंगाया। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट कितने कितने चार या पांच जगहों से मैंने मंगा लिया, और मैं लिख के दे सकता हूँ अगर इन छोलों को मैं पास में रख दू ना, मतलब कोई भी आ जाना उठ के, उसको टेस्ट करना और फिर इनको टेस्ट करना, जमीन आसमान का अंतर है, कहीं के छोले मेरे को नहीं भाई, ऑलमोस्ट चार या पांच जगहों के। अब आप लोग सोच रहे भाई बहुत ज्यादा ऐसे बड़ा चढ़ा के, नहीं नहीं भाई, फूड ब्लॉग भी मैंने पिछले बहुत सारे बना रखे हैं, टेस्ट की पहचान में रखता हूँ, उसी चीज के बारे में बोलता हूँ जिस चीज को मैंने खुद ने अनुभव किया हो, और मतलब हर चीज को ऐसे बड़ा चढ़ा के बोलने की बात नहीं है। अगर ये अच्छे नहीं होते मेरे घर के, तो मैं ये भी बोल देता कि मेरे घर के अच्छे नहीं, वहाँ के अच्छे। हाँ मम्मी क्या कह रहे हो, इसी तरह से स्वादिष्ट छोले का स्वाद उठाना है किसी को, तो मेरे चैनल पे यानी कि YouTube पे प्रमिला'स कुकबुक पे जाके, और छोलों की रेसिपीज है, तीन चार तरह की बना रखे मैंने। अच्छा, तो आप उस तरह के बना के और अपने घर पे इसका आनंद उठा सकते। कमाल कर दिया आपने, तो भाई पता पड़ गया ना कहाँ जाके देखना है, हैं? ये फालतू का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं इस चीज का, कुछ बात है इसीलिए बात हो रही है। तो गाइस यही बातें हैं, आप क्या बोल सकते हैं इसके आगे, जो होता है ना रियलिटी में वो बता देता हूँ। मैंने कितनी बार बोला, मैं फूड ब्लॉग्स भी जब बनाता हूँ ना, कहीं जाता हूँ, कुछ खाता हूँ, तो अच्छा भी लगती है बाहर की चीजें, तो मैं बोल देता हूँ भाई ये अच्छी है, और हमेशा ये बोलता हूँ कि मैंने आके यहाँ पे इस जगह पे ये चीज ट्राई करिए, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप मेन्यू में से कुछ और ऑर्डर कर देंगे और फिर कुछ उल्ट पुल्ट निकल जाएगा, दैट डजंट मीन कि वहां की सारी चीजें अच्छी है। मैंने सिर्फ एक दो तीन जितनी चीजें मैंने ट्राई करी थी उसकी गारंटी ली थी, तो जो सच होता है वो सच होता है भाई। और कई लोग अगर ये सोचेंगे कि भाई ये कुछ ज्यादा ऐसे बड़ा चढ़ा के बताता, तो भाई उनका मेरे पास इलाज नहीं है, मैं तो जो देखी सुनी, स्मेल की हुई और टेस्ट की हुई जो सच्ची बात है ना, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो भाई मजे वाला टाइम आ चुका है, यानी कि छोले भटूरे खाने का वक्त आ चुका है, साथ में देख लो अपने शरीर में तरावट देने के लिए छाछ हमेशा की तरह, और प्याज मेरे लिए कंपल्शन है, कच्चे प्याज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, फूले फूले भटूरे हैं और छोले हैं, और इनको क्रिएट करने वाली प्रमिला'स कुक बुक है। तो मम्मी फैन ऑन करते गर्मी लग रही है, लंच करें? फैन तो हम इसलिए ऑफ कर देते हैं कि भाई वीडियो में वो क्या आपको अजीब सी नॉइज ना सुनाई दे, वैसे ही मेरे ओढ़ने पे से चम चम हो गया चमकी। ऑलराइट गाइस, तो खाना शुरू कर दिया है छोले भटूरों को, और छाछ भी पीनी शुरू कर दी है, साथ में मम्मी भी खा रही है मेरे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि एकदम से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए जैसे ये भटूरा है ना, ठीक है, बाजार का और यहाँ अपना जो घर का जो हमारे मम्मी बनाती है, उसमें क्या डिफरेंट है। अब देखो ये मैंने ये बस ये इतनी ही आसानी से ये टूट जाता है, लेकिन और अभी काफी देर हम शूट कर रहे थे ना, उसके बावजूद भी देखो ऐसे खुले में हमने रखा हुआ था। बाजार के जो भटूरे होंगे ना, वो अगर आप ऐसे खुले में रख दो अगर इतनी देर शूट वूट करके, और फिर ये
ऐसे तोड़ने की कोशिश करोगे ना तो खींचेंगे नहीं, रबड़ जैसे हो जाते हैं, उनको खींचते जाओ, रस्सा कस्सी का आप गेम खेल सकते हो उनके साथ। लेकिन यहाँ पे देख लो, दो उंगली से इतनी देर बाहर पड़े, क्योंकि मम्मी का भी हम वीडियो ब्लॉग शूट कर रहे हैं और उसके बाद मैं भी आप लोगों को शूट करके बता रहा हूँ, तो इतना टाइम हो गया उसके बावजूद भी देखो, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। गाइज, मम्मी ने गुलाब जामुन बनाए थे घर पे, तो मैं सोचा अभी मन हो रहा था मेरा गुलाब जामुन खाने का, तो एक आध गुलाब जामुन खा लिया जाए। है भाई मम्मी, खा लिया जाए? चलो फटाफट फ्रिज में पड़ा है, ठंडे ठंडे निकाल लेते हैं। ये रे गुलाब जामुन, और अपनी कटोरी रेडी है, फटाफट से ले लेता हूँ। मम्मी आप खाओगे? नहीं खाओगे? खा लो। दादी साहब आप खाओगे? यू वॉन्ट टू ईट? गाइज दो गुलाब जामुन मैंने ले लिए हैं, लेकिन एक मिनट मैं बाथरूम जाता हूँ, तब तक यहाँ पे रख देता हूँ। मम्मी मैं बाथरूम जाके आता हूँ, है ना? मम्मी आप भी खा लो। नहीं तुम खा ले। ठीक है भाई चलो खा। मम्मी मना कर रहे और खा भी लिया। मैंने तो नहीं खाया। दो गुलाब जामुन थे, अब इसमें एक ही बच रहा है। बैठे बैठे तबीयत साफ कर रहे हो। तो ये इसमें मैं दो डाल के गया था ना अभी बाथरूम में जाने, एक कैसे रहा? पता नहीं गायब हो गया क्या? ऐसे कैसे गायब हो गया ये गुलाब जामुन की चोरी कौन कर रहा है? पास में तो आप ही बैठे हो यहाँ पे। अच्छा मैंने वो जो पानी की मोटर चलाई थी बाथरूम जाने से पहले, बंद करी आपने? नहीं अभी थोड़ा पानी चल रहा है, तो मैं बंद कर देता हूँ फिर जाके। तो चलो गाइस अब फटाफट से अपना गुलाब जामुन खा लेते हैं। मम्मी क्या है ये? क्या? ये खाली कैसे हो गया? खा रहे हो? आपको भी डाल के दे देता हूँ मैं अलग से। तो फिर ये कौन खा रहा है? दादी से तो नहीं खा रही है, दादी से तो अभी बाहर से आई है। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? कौन चोरी कर रहा है गुलाब जामुन की? अभी रुको, यहाँ पे कैमरा लगाते हैं और इसमें गुलाब जामुन डाल के रखते हैं, तब पता पड़ेगा। तो गाइज मैंने रख दिया है यहाँ पे गुलाब जामुन, अभी पता पड़ जाएगा। अब लगाएंगे कैमरा इसके ऊपर, अभी पता पड़ जाएगा इस गुलाब जामुन का चोर कौन है। ठीक है मम्मी, आप वापिस से जो कर रहे हो करते रहो। अरे अरे मम्मी आप मेरे से पूछो किसने खाया गुलाब जामुन? ये आदमी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है मम्मी, मैं बताता हूँ आपको किसने खाया है। अभी आपको फुटेज दिखाता हूँ, आप खुद देखो। मुझे बता दो तेरा गुलाब जामुन किसने खाया, मैं उसकी खबर लेती हूँ। और एक भी नहीं, मैंने दो लिए थे, दोनों की दोनों। मम्मी तो मेरे को बता कौन है? मैंने तो फुटेज देख लिया, आप भी देख लो जरा एक बार। मेरे को कौन है वो? ये लो ये देखो, इसमें ये देखो। ओ माय गॉड सेवलोन भाई, हर जगह ये कैसे आ रहे हैं हमारे घर में? ये आदमी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, जब से ये राधे की ऐसी तैसी हुई ना, इनका तो दिमाग है ना वो हिल गया है। ओ, ओ, ओ राधे की ऐसी तैसी करी तो तेरे गुलाब जामुन खा गए। और एक की जगह दोनों खा गए। ओहो क्योंकि उनको प्रमिलाज कुकबुक के पसंद है। कैसा मुंह में कपाट डाल दिया। मुझे लगता है आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, यही एक अच्छा काम किया है इन दिनों में उन्होंने। ये एक अच्छा काम किया उन्होंने। गुड मॉर्निंग गाइज, और गुड मॉर्निंग नहीं यार, गुड आफ्टरनून गाइज। नेक्स्ट डे है और दोपहर हो चुकी है, और अभी मैंने अपनी खुद की पर्सनल गोलगप्पे की दुकान घर पे खोल दी है। बनाती मम्मी है और उसके बाद में स्वाद हम सब लेते हैं। मम्मी कम खाती है, हम तो लोग भाई दबा के खाते हैं। तो आ जाओ भाई जिसको खाने हैं, देख लो भाई पानी मिक्स कर रहे हैं। ये इस तरह से मम्मी पता से बना के रख देती है और ये पानी बना के, तो फिर हमारा जब भी मन होता है हम अपने आराम से धीरे धीरे खाते रहते हैं। दादी सा के बहुत ज्यादा फेवरेट है भाई मम्मी। और ये आप और क्या बना रहे हो? ये बूंदी, बूंदी का रायता बना रहे हो क्या? तो भाई बूंदी का रायता बन रहा है, वो भी लंच के टाइम। लेकिन लंच से पहले क्या छोटी मोटी सी भूख लग गई थी मुझे, तो मैंने कहा यार गोलगप्पे खाते हैं। चलो भाई आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मैं खाऊंगा आराम से अपने गोलगप्पे और आप लोग भी अपने अपने घर पे खाना पीना एंजॉय करिए, घर पे रह के। लेकिन बाहर मत घूमना इधर उधर, बाहर से कुछ मंगाना हो स्विगी जोमेटो से मंगा लेना और घर पे आराम से बैठ के खा लेना। लेकिन जहां तक हो सके घर पे ही बना के कुछ खाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बाय।